तनोट माता जो मंदिर है वो भी जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी वो भी उसका एक साक्षी है, तो आपको आगे देखने मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो हम जाएंगे तनोट माता और आगे बॉर्डर फेंसिंग है वहाँ पे भी जाएंगे अगर टाइम पे पहुँच गए तो। अब हम आ गए तनोट माता मंदिर और हम जाएंगे किशनगढ़ की ओर। यहाँ चेक पोस्ट से बाद में कट करता है लेफ्ट साइड की ओर, हो जाता है बॉर्डर की तरफ, तो हम जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आईडी देखे पास बनवाना पड़ता है, फिर वहाँ से आगे जा सकते हैं। तो देखते हैं, अभी जाते हैं आगे। तो जी, बहुत ही मेहनत के बाद हमने ये बॉर्डर पास ले लिया है 609 पिलर के लिए, और यहाँ से लेना है लेफ्ट, सामने दिख रहा होगा आपको बॉर्डर 609, और ये यहाँ से 20 किलोमीटर से बबलियन चेक पोस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपको जो असली वाली बॉर्डर है वो भी दिखा देंगे जहाँ पे फेंसिंग लगी है। जो फेंसिंग वाली जो बॉर्डर देखना चाहते हो आप, वही मैं दिखाऊंगा। आज तो बहुत ही ट्रैफिक हो रखी थी वहाँ पे, और लोग भी बहुत आए हुए हैं और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम आ गए इंडो पाक बॉर्डर पे,
और यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है, बॉर्डर तो है ही और चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। तो टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा फ्यूचर में और बड़ा, क्योंकि अभी इतने लोग आ रहे हैं। लास्ट टाइम तो हमने वहाँ फेंसिंग तक जाके हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो मैं फ़ोटो वीडियो में डाल दूँगा तो आप देख लेना, ठीक है। और ये स्टेडियम बना है, तो दोस्तों वो पूरा रीजन तो आप देख रहे हो, और फेंसिंग के पीछे वहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान शुरू होता है, पर कुछ है नहीं ज़्यादा, वहाँ पे ऐसे ही डेजर्ट ही है पूरा। और यहाँ पे स्टेडियम बना है ताकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को अगर प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे हो सके। तो लास्ट टाइम तो मैं वहाँ तक गया था, गेट तक मैं फोटो डाल दूंगा, तो इस टाइम यहाँ पे लॉक कर दिया है, ठीक है। और ये टावर बनाया पूरा, और हम लोग टावर के 3rd फ्लोर पे, देखो तो दोस्तों अभी नीचे उतर रहे हैं टावर से, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, देखो बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। इंडो पाक बॉर्डर हमने विजिट कर ली है, और ये खड़ी हमारी गाड़ी, अभी सन होगा सेट, तो हम निकल रहे हैं इंडो पाक बॉर्डर से, ठीक है। और हो रहा टावर, वॉचिंग टावर का नाम दिया उसको, तो व्यू बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। तो जी इंडो पाक बॉर्डर से अभी हम आ चुके हैं श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, तनोट माता मंदिर पे, देखो ऐसा है उसका बाहर का एरिया। और यहाँ से हम आए थे इंडो पाक बॉर्डर से, और ये रोड जाता है सीधा वाला जैसा मेरे के लिए। अगर आपको बॉर्डर जाना है जो मैं अभी जाके आया, तो ये उसका कुछ टाइमिंग और पास के बारे में कुछ माहिती है, इंफॉर्मेशन है, तो पढ़ लेना और सब रेडी रखना डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये तनोट राय मंदिर का इतिहास, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना।
जी अभी हम आ गए हैं तनोट माता मंदिर, श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। अभी अंदर जाके देखते हैं। पहले मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो अभी जाते हैं अंदर और माता के दर्शन कराते आपको। ये पूरा इतना बड़ा मंदिर है और अंदर बहुत ही ठंडा लग रहा है। तो माता जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तनोट माता के दर्शन कर लो जी आप, ठीक है? मैं भी कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ये है हम, ये थे हमारे उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी, और इन्होंने भी यहाँ माता के आशीर्वाद लिए। तो इसे बमवाली देवी भी कहते हैं, माँ के चमत्कार देख झुक गया था पाकिस्तान ब्रिगेडियर। युद्ध की देवी का मंदिर, जहाँ पाक सेना के 3000 बम भी हो गए थे बेअसर। तनोट माता पर प्रकाशित लेख। श्री राजनाथ सिंह जी, बाबा रामदेव जी, और ये 1965 भारत पाक युद्ध की कुछ झलकें हैं।
और यहाँ पे माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाले पाकिस्तानी बम रखे। और ये है भैरव सिंह राठौर, बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने इन्हीं का किरदार निभाया था। और ये भी कुछ न फटने वाले पाकिस्तानी बम थे जो मंदिर के आसपास गिरे थे। बढ़िया है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों अभी हम आरती करके निकले हैं तनोट माता की, और शाम को 6:30 बजे आरती होती है और करीब करीब 7:30 बजे तक आरती चलती है। तो अगर आप आते हो और अगर आरती का टाइम हो गया है तो आरती यहाँ की ज़रूर करके जाना, बहुत मज़ा आएगा। और बस ठीक है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, देखते आगे क्या करते हैं, जैसे मर जाते हैं या फिर बीच में कहीं रुक जाता है या फिर यहाँ पे कनॉट माता रुक जाता है। तो मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे एक प्राचीन कुआं भी है, मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे मंदिर के परिसर में ही है। और ये हॉल बनाया हुआ है, तो ऐसा है पूरा परिसर। ये माता तनोट माता का एंट्री गेट है और यहाँ पे एटीएम भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे कुछ होटल्स भी है खाने के लिए, और उस साइड भी है होटल्स सारी, और ये लाइन में भी है पूरा। और ये दोनों साइड कार पार्किंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उस साइड से वहाँ भी होटल्स है और सामने भी कार पार्किंग कर सकते हो आप। और यहाँ पे जियो का नेटवर्क आ रहा है, अच्छा आ रहा है, फुल 4G नेटवर्क आ रहा है और हम आराम से नेट चला सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपना लाइसेंस लेने, जो मैंने पास निकालते वक्त यहाँ जमा करवाया था। और यहाँ पे धर्मशाला है, ये वाला बड़ा हॉल है, और इस साइड आपको कुछ प्राइवेट रूम्स चाहिए तो मिल जाएगी, तो रहना है तो रह भी सकते हो। और यहाँ पे हॉस्पिटल है, ताकि आपको कुछ भी होता है तो आप यहाँ से दवाई ले सकते हो। तो ये माँ तनोट भवन है, और आगे इसके पीछे ही वॉशरूम है लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए। तो जी अभी मैं आ गया हूँ माँ हिंगलाज कैंटीन एंड रेस्टोरेंट में, जो मंदिर से बाहर निकलने के बाजू में ही है। और फिलहाल अभी मैं पोहे बनाने वाला था, पर अभी रात के बज गए 1:09 और ठंड भी बहुत हो रही है और मुझे अकेले को खाना है, तो इसलिए होटल में बैठ गया हूँ खाने के लिए। और मैंने मंगवाया आलू परोठा, वेज पुलाव, दाल फ्राई और 2 रोटी। तो ज़्यादा नहीं खाना, बस इतना ही है, थोड़ा खा लेंगे क्योंकि रात को गाड़ी भी चलानी है। तो शायद 11:30 बजे हम जैसलमेर पहुँच जाएंगे, तो जैसे मुझे थोड़ा कोई भी पेट्रोल आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे और गाड़ी में ही सो जाएंगे, क्योंकि अभी जैसलमेर जाके होटल लेके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रेंट तो पूरे दिन का ही लगाएगा। तो इसलिए हम गाड़ी में सो जाएंगे और आगे आपको मिलते हैं खाना आने के बाद। भूख भी लगी है क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, मैंने खाली 2 कॉफ़ी पी थी वहाँ लौंगे वाले से लेके, और 2 लस्सी पिया था। खाना आ गया है मेरा, ये वेज पुलाव है, ये आलू परोठा, ये तंदूरी रोटी, ये दाल फ्राई, ये पापड़ और ये सलाद। तो खाना खा लेते, अभी सुबह से बहुत भूख लगी है, तो खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं। यहाँ धर्मशाला में अगर यहाँ पे रुकना है आपको तो इस हिसाब से आपको यहाँ रूम मिल जाएगी, और हॉल भी है बड़ा वाला, तो आप पढ़ लेना। तो दोस्तों
अभी मैं निकल रहा हूँ तनोट माता से, और अभी जैसलमेर की ओर आगे बढ़ते हैं, और बीच में कहाँ पे पेट्रोल मिल गया तो वहाँ पे रुक के गाड़ी में सो जाएंगे, तो मिलते आगे रोड पे। अब हम निकल रहे हैं तनोट माता से, खाना खा लिया मैंने, तो तनोट माता से जैसलमेर है 120 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स दिखा रहा है, 2 घंटा। अभी रात के बजे 10:15, और अभी यहाँ से रामगढ़ है 20 किलोमीटर्स, GPS में दिखा रहा है, तो देखते हैं अभी रामगढ़ रुकते हैं कि आगे किसी और पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। फिलहाल अभी तो गाड़ी चला रहे हैं। और एक और बात, मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहीं पे भी रात में ड्राइव करो, तो अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग आती हो, गाड़ी के बारे में सब पता हो, आप अपने गाड़ी पे कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये सही से ले जा सकती है अपनी गाड़ी, तो ही आप रात में ड्राइव करो, नहीं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप नाइट ड्राइव कहाँ भी करो। क्योंकि अभी मैं आधे घंटे से चला रहा हूँ गाड़ी, और मुझे एक ही गाड़ी मिली थी बीच में, तो उससे पहले मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली थी, अभी भी नहीं मिल रही है। तो आप नाइट ड्राइव मत करना। हम रामगढ़ आ गए हैं, और यहाँ से जैसलमेर का डिस्टेंस है 68 किलोमीटर, और 1 घंटा करीब दिखा रहा है। तो चलते आगे, पूछते एक पेट्रोल पंप सोने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 11:15, और अभी हम हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, जो कि है जैसलमेर से करीब 24 किलोमीटर। तो बस अभी नींद आ रही थी तो गाड़ी में सो जा रहा हूँ मैं, और सुबह में उठ के जाएंगे, यहाँ से ही फ्रेश होके जाएंगे जैसलमेर की तरफ, और कल पूरा दिन हम जैसलमेर एक्सप्लोर करेंगे और देखने जैसी जगह आपको दिखाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन आइकन दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।